परम सौभाग्य से विभूषित श्री एकादशी तिथि व्रत की महिमा का श्रवण हम सब यहाँ पर कुछ सत्रों से कर रहे हैं। पिछले सत्र में भी हम सब ने थोड़ी देर के लिए एकादशी की महिमा का श्रवण किया था। इस सत्र में भी हम कुछ ऐसे ही संतों के द्वारा एकादशी की निष्ठा के मान की महिमा हम सुनेंगे, एकादशी निष्ठा की हम कथा सुनेंगे। भक्तों, एकादशी परम पवित्र तिथि है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एकादशी परम पवित्र तिथि है और एकादशी का हमें पालन करना चाहिए, और उस दिन कम से कम हमें यज्ञ तो ग्रहण ना ही करना चाहिए। और इस अन्न के लिए ही भगवान एक संत की एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए आ गए। कहते हैं, उस दिन यदि आपको भगवान का प्रसाद भी मिले कि भगवान का जूठन है, अन्न है, आप ले लो, तो उस दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, अरे नहीं, प्रसाद है, प्रसाद हो गया तो फिर अन्न थोड़ी ना रहा। आप उसे फिर दूसरे दिन बोलो प्रसाद है, और उसे मान लो डायबिटीज है और रसगुल्ला है, उसे रसगुल्ला दे दो, खाएगा वो? नहीं, मुझे डायबिटीज है। उसमें प्रसाद की निष्ठा नहीं होती है, उसमें प्रसाद की निष्ठा नहीं है। अभी भी तो प्रसाद है ना, जब प्रसाद को चढ़ा दिए तो अन्न नहीं रहा, तो फिर उसमें मीठा कहाँ रहा, मिठास कहाँ रहा, खत्म हो जाना चाहिए डायबिटीज। लेकिन ऐसे लोग मात्र एकादशी ना करने के लिए एक्सक्यूज देते हैं, एकादशी को अच्छी तरह से पूरी निष्ठा से पालन नहीं कर सकते हैं। भक्तों, हमारे देश में एक संत हुए जिनका नाम था नामदेव। संत नामदेव, शायद आप लोगों ने इनके विषय में पहले सुना होगा। महाराष्ट्र के संत हुए, पंढरपुर सतारा के पास इनका घर है। इनकी बड़ी निष्ठा थी भक्तों एकादशी के प्रति, बड़ी निष्ठा थी इनकी, बड़े कठोरता से पालन करते थे। कहते हैं इनके चरित्र में एकादशी की निष्ठा बड़ी अद्भुत थी, बहुत ही ज्यादा अद्भुत थी, और इनके यहाँ एकादशी को बहुत बड़ा उत्साह होता है। ठाकुर जी का विशेष अर्चन होता है एकादशी को। नामदेव जी दिन भर अखंड हरिनाम संकीर्तन करते हैं, दिन भर रात भर कीर्तन करते रहते हैं, नाम जप करते रहते हैं, दिन भर माला करते रहते हैं, और एकादशी को यज्ञ का स्पर्श भी नहीं करते। ठाकुर जी को सुंदर फलाहार चढ़ा करके, भोग लगा करके सुंदर संतों में, वैष्णवों में बांट दिया जाता है इनके द्वारा। कभी एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करते, अन्न को स्पर्श नहीं करते। प्रत्येक एकादशी को जल भी नहीं पीते थे, निर्जल ला निरहार एकादशी करते थे, कीर्तन ही करते थे, दिन भर रात भर नाम जप करते थे, हर एकादशी को निरहार निर्जला व्रत किया करते थे। इनकी एकादशी व्रत की निष्ठा इतनी अद्भुत थी कि जैसे शास्त्र में लिखा है, जैसे वेद में लिखा है कैसे एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, ठीक ठीक उसी प्रकार करते थे, जरा सा भी इधर उधर नहीं। 19-20 छोड़िए, 19.5 भी नहीं होना चाहिए, इतना इनका निष्ठा था। तो इनकी निष्ठा से प्रभावित होकर के इनकी एकादशी व्रत निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे। पंडरीनाथ मने भगवान श्री कृष्ण, ठाकुर जी भगवान आए। और अब और हम तो जानते ही है भगवान कितने माहिर हैं रूप बदलने में, वेश बदलने में भाव भगवान कितने माहिर हैं। कभी पनिहारी बन जाते हैं तो कभी मनिहारिन बन जाती है, कभी कोई साधु बन जाते हैं, कोई संत बन जाते हैं, तो कभी बूढ़े बाबा बन जाते हैं, कभी योगी बाबा बन जाते हैं, तो कभी बूढ़े ब्राह्मण बन जाते हैं। बड़े नाटकी हैं भगवान, इनका कहना ही मुश्किल है कि ये कब क्या बन जाए और किस वेश में हमारे पास हो,
ये हमारे लिए सोचना मुश्किल है। तो भगवान नामदेव जी के एकादशी व्रत की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए स्वयं भगवान पधारे। बहुत सुंदर रूप लिया। बोल कैसा रूप लिया? तो कहते हैं तो ब्राह्मण का रूप लिया। कैसे ब्राह्मण का? तो निपट दूबरो, अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का रूप लिया। अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया, ऐसा कि कोई उसे देख ले तो हृदय में स्वाभाविक दया आ जाए, पाषाण हृदय भी पिघल जाए, ऐसा रूप भगवान ने लिया। हड्डी ही हड्डी, ऊपर से नीचे तक मने खाली छू लो तो गिर जाए, इतने कमजोर एकदम बूढ़े ब्राह्मण भगवान इतने कमजोर बन के गए, इतने कमजोर बन के गए कि पांव भी ठीक से जमीन पर नहीं रख पा रहे थे, और कमर एकदम झुकी हुई टेढ़ी, सफेद दाढ़ी, सफेद भौहें, सफेद बाल, लाठी के सहारे कहराते हुए, करहाते हुए, हांफते हुए, पसीने से लथपथ लथपथ हुए पहुंचे, और पहुंचकर नामदेव जी के द्वार पर जाकर लाठी छोड़ दी और गिर गए, क्योंकि लाठी के सहारे ही तब से खड़े थे। लाठी को छोड़ दी, दरवाजे पर गिर गए। नामदेव जी अंदर नाम जप कर रहे थे, उठकर आए, इन्हें उठाए, बहुत सुंदर आसन दिया, आसन पर विराजमान कराए, बिठाए, हाँफ रहे थे, पसीना आ रही थी, और विचित्र भेष था भक्तों, एकदम कमजोर, बोले तो हवा आए भी उड़ जाए, हवा आए तो उड़ जाए, इतना कमजोर भेष बना के ठाकुर जी गए थे। नामदेव जी ने पहले देखा तो बड़ा दुख हुआ, बहुत सुंदर स्वागत किया, आसन दिए, पंखा झेली, चरण धोए, बिठाया, बहुत सुंदर स्वागत किया नामदेव जी ने, बहुत सुंदर आसन दिया। बोले बड़ी कृपा की ब्राह्मण देवता, आज एकादशी के दिन पधारे, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। ब्राह्मण देवता, आपका शरीर तो बहुत दुर्बल है और आपकी उम्र भी बहुत जान पड़ती है, कितनी उम्र है आपकी? ठाकुर जी बोले 125 वर्ष, 125 वर्ष उम्र है हमारी। अभी लगा होगा कि भगवान झूठ बोलते हैं, 125 वर्ष भगवान की एज होगी, उसे तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन भगवान तो मानवीय रूप लेके गए थे ना, और कृष्ण लीला में, कृष्ण रूप में भगवान कितने दिन यहाँ रहे थे? 125 वर्ष रहे थे, तो उस अनुसार से भगवान की एज 125 वर्ष हुई। बोले मेरी उम्र 125 साल हो रही है, 125 उम्र है मेरी। तो नामदेव जी बोले, ओहो बड़े भाग्यशाली हो महाराज आप, हम तो आपके दर्शन करके ही कृतार्थ हो गए हैं, कहिए आपकी ने कैसे आने की कृपा की, क्या सेवा करूं मैं आपकी? ब्राह्मण देवता बोले, भगवान बोले कि हम बड़े दुर्बल और वृद्ध होने के साथ साथ बहुत निर्धन ब्राह्मण हैं, बहुत गरीब ब्राह्मण हैं हम, ना रहने का कोई ठिकाना है, ना खाने का कोई ठिकाना है, एक सप्ताह हो गया अन्न का एक दाना भी अंदर नहीं गया है, अन्न का दाना अंदर जाना तो छोड़ो, अन्न का दर्शन भी नहीं हुआ। इधर से जहाँ जा रहा था बहुत बड़े संत जान पड़े, इसलिए आपके यहाँ भोजन करने के लिए आया हूँ। नामदेव जी ने कहा, बहुत कृपा की महाराज, लेकिन ब्राह्मण देवता आज तो एकादशी है और एकादशी को तो अन्न नहीं पाया जाता है, भगवान तो परीक्षा लेने के लिए आए थे ना। भगवान गुस्सा आ गए, बोलते ज्ञान छांटता है मेरे सामने, है मेरी उम्र देखो 125 साल है, तुम अभी तो बच्चे हो मेरे सामने, पूरा उन्हें डांटे। बोले ठाकुर जी से अब बड़ा प्रवचन करता कौन हो सकता है, ठाकुर जी से ज्ञान की कमी तो सबके सबसे है, ठाकुर जी के पास जितना ज्ञान है उतना किसके पास, तो उनके जैसा प्रवचन कौन दे सकता है। तो समस्त वेद शास्त्र उपनिषद का सार लेकर स्मृतियों के वचन का उदाहरण देते हुए बोले कि 5 वर्ष से कम बालक और 90 वर्ष से ऊपर के आयु के व्यक्तियों को एकादशी ना करें तो चलता है, ऐसा नहीं कि ना ही करना है, लेकिन ना हो सके, अब कमजोर हो गए हैं तो यदि ना हो सके तो चलता है, वो क्षमित है, लेकिन आप में सामर्थ्य है तो कर सकते हैं। तो हमारी उम्र 125 वर्ष हो रही है, हमें एकादशी का बंधन नहीं लगता, क्योंकि जो 5 साल से कम का है और 90 साल से ऊपर का है उसे एकादशी की छूट है, उसे के बीच वालों को, 5 से 90 साल के बीच वालों को एकादशी का बंधन लगता है, और हमारी तो आयु 125 वर्ष की है, तुम एकादशी किए हो हम नहीं, तुम करो
तुम जवान हो, हम तो निर्बल साधु हैं, हम नहीं करते, हम तो भोजन करने आए, हम तो भोजन करेंगे बस। नामदेव जी ने कहा, मैं आपको भोजन दूंगा लेकिन अभी नहीं दूंगा, आज एकादशी है, एकादशी को तो ना मैं अन्न खाता हूँ और ना देता हूँ। देने की बात और खाने की बात तो दूर रही, एकादशी के दिन तो मैं अन्न को छूता भी नहीं हूँ, छूने से भी पाप लगता है क्योंकि उसमें मूर असुर ऑलरेडी विराजमान है। अन्न में एकादशी के दिन यदि आप छूते हैं अन्न को, उसमें तो मूर नामक असुर विराजमान है ना, वो तो लग ही रहा है, तो इसीलिए मैं एकादशी को अन्न को छूता भी नहीं हूँ। सवेरे जितना चाहो ले लेना, जितना चाहो खा लेना। बोले तुम करो एकादशी, हमारी कोई बाध्यता नहीं है, तुम करो, हम तो खाएंगे। बोले हम तो नहीं कराएंगे भोजन। ठाकुर जी बोले, भोजन नहीं कराओगे तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। हम देव जी ने कहा, इससे ज्यादा और अच्छी बात क्या हो सकती है, आज एकादशी तिथि है, 125 वर्ष है उम्र है आपकी, आयु हो चुकी है, अब और जीवोगी, जीवों को भी तो कितना जियोगे और जी के भी क्या करोगे, आज एकादशी है महाराज, यदि प्राण छूट गए तो वैकुंठ का द्वार खुला रहता है, आप सीधे वैकुंठ गमन कर जाओगे, फिर इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, भूख प्यास के बंधन से परे हो जाओगे, अतः यदि प्राण छूट जाए तो उसे छोड़ने दो। ठाकुर जी बोले, अरे बड़ा कठोर आदमी है, मुझे मारना चाहता है, अभी तो मुझे और बहुत दिन जीना बाकी है, अभी तो और मैं जीऊंगा, मुझे अन्न दो। बोले अन्न नहीं दूंगा। तो करी हो हट भारी, तो भगवान बहुत हट करने लगे, ये तो छलिया है, हट करने में, इनसे जिद करने में, रूप बदलने में इनसे कौन सकेगा, भगवान बहुत हट करने लगे, दोनों हट करने लगे, ये कहे हम अन्न नहीं देंगे और ये कहने मैं यन्न तेरे से ही लूंगा, तेरे से ही यन्न लेकर मैं मानूंगा। आसपास के लोग आ गए, भगवान की उस वृद्धावस्था को देखकर सबको दया आ गई, बोलने लगे कितना निर्दयी संत है यार ये, इतने सुंदर ब्राह्मण खड़े, इतने दुर्बल निर्बल ब्राह्मण खड़े, इन्हें अन्न नहीं दे सकता, देखकर दया नहीं आ रही इनकी, इधर यन्न की तो कोई कमी नहीं है, थोड़ा सा अन्न लाकर दे देना चाहिए। ठाकुर जी पूरा हट करने लगे, बहुत हट करे, तो नामदेव जी बोले कि महाराज यदि आपको भूख लगी है ना। बोले हाँ भूख तो लगी है। बोले तो एक काम करो, मैं भोग लगा के फल लेके आ जाता हूँ। बोले नहीं, फल खाने से मुझे जुकाम हो जाता है, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है। बोले तो एक काम करो, बढ़िया दूध की मलाईदार दही रखी हुई है वो लेके आ जाऊँ। बोले नहीं, दही खाने से मुझे निमोनिया हो जाता है, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, तो मैं दही भी नहीं खाऊंगा। तो कोई बात नहीं महाराज, ऐसा करो दूध पी लो, का पेट खराब हो जाता है दूध पीने से, सूल पकड़ लेता है, इतने उम्र में दूध पचेगी क्या, दूध तो बहुत दिन हो गया मैंने छोड़ दिया, दूध नहीं पीऊंगा। तब क्या खाओगे, कहते दांत तो है नहीं, हम तो बस कड़ी और भात खाएंगे, भात ना? चावल, और चावल तो भक्तों एकादशी को अति निषेध है, अति व्रजित होता है। भगवान भात खाने पर अड़ गए, भात चाहिए जल्दी करो, भात बनाकर लाओ। नामदेव जी ने कहा, महाराज ये तो संभव नहीं है। बोले तो मैं मर जाऊंगा। नामदेव जी बोले, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि आप चले जाओ, यदि आप पधार गए तो मैं श्रावण उत्सव मना दूंगा, पधार जाओ, 125 साल की उम्र हो गई है आपकी, एकादशी तिथि है, आप बड़े भाग्यशाली हैं, एकादशी की दिन है, कीर्तन हो रहा है, इतने सारे संत उपस्थित हैं, कितना बढ़िया समय का संयोग है महाराज, आप पधार जाओ जल्दी करो। ते बड़ा भारी दुष्ट है यार, तो मुझे मारने पे तुला हुआ है। बोलते कहा तेरे सिर पर ब्रह्म हत्या लगेगी, मैं मर जाऊंगा तो तेरे सिर पर ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। बोले मेरे को क्यों लगेगी भाई ब्रह्म हत्या का दोष। बोले इसलिए लगेगी कि तुमने अन्न नहीं दिया, हमको अन्न दे दो हम बच जाएंगे। नामदेव जी बोले, महाराज अब भले ही पधार जाओ, भले ही हम पे ब्रह्म हत्या लगे, तो भी मैं मेरे एकादशी की निष्ठा में परिवर्तन नहीं करूंगा, आपको अन्न नहीं दूंगा। और महाराज अभी नामदेव जी बचने का उपाय कर रहे, महाराज मैं तो दर्जी हूं, मैं तो छोटे जाति का हूं, हमारे इधर का भात आप खाओगे। ठाकुर जी बोले, देखो
अब ऐसा है ना कि अब हम परमहंस हो चुके हैं, इतनी उम्र हो गई हमारी, बस कोई भगत आदमी मिल जाए, हम तो किसी के इधर भी भाई कुछ भी खा सकता हूँ, रोटी भात सब खा लेते हैं, परमहंस हो गए हम। बोले कुछ भी हो, मैं मेरे एकादशी की निष्ठा में परिवर्तन नहीं करूँगा, मैं आपको अन्न नहीं दूंगा। फलाहार करा सकता हूँ, 10 बार करो, जितना बार करना है फलाहार कर लो, खाओ फल खाओ। दोनों के बीच में बहुत जिद हुआ, बहुत हट हुआ, शोरगुल सुन के आसपास के लोग जमा हो गए। आसपास के लोग कहने लगे, अरे नामदेव तो बड़ा निर्दयी है, बहुत बड़ा संत बना फिरता है, हैं, और एक बूढ़े बुजुर्ग ब्राह्मण को भोजन नहीं देता है। बोले बाबा आप ऐसा करो, आप हमारे घर चलो, हम एकादशी नहीं करते, हम लोग तो मस्त बढ़िया रोटी चावल भात हलवा सब खाते हैं, कढ़ी सब खाते हैं, आप चलो हमारे इधर, और बनाना भी नहीं पड़ेगा, बना बनाया मिल जाएगा। ठाकुर जी बोले नहीं, अन्न खाऊंगा तो नामदेव के इधर का ही अन्न खाऊंगा, नामदेव का ही अन्न खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। वैसे भी भक्तों, भगवान जो है एकादशी नहीं करने वालों के इधर नहीं जाते, थोड़ी ही जाएंगे भगवान जो एकादशी नहीं करते, क्यों जाएंगे उनके इधर, जब तुम मेरा रूल ही नहीं मान रहे हो, क्यों जाओ तुम्हारे इधर। तो भगवान नहीं गए, बोले देखो मैं अन्न खाऊंगा तो नामदेव का ही अन्न खाऊंगा, दूसरे का अन्न नहीं खाऊंगा मैं, और मैं मरूंगा भी तो इसके द्वार पे मर जाऊंगा, तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा बड़ा जिद्दी है दोनों। तब तक तो भगवान उठे, लड़खड़ाते हुए लठिया पटक दी, चक्कर खाकर गिर गए, चक्कर खाते हुए गिर गए और पता चला पधार गए। सब लोग आकर देखे, नाक के पास हाथ डालकर देखा, सांस नहीं चल रही है, नाड़ी पकड़ के देखी, खत्म, पधार गए। अब तो सब धिक्कारते हुए नामदेव को ब्रह्म हत्या का दोषी बताते हुए चले गए। रातों रात मीटिंग हुई, नामदेव जी को पंचायत से, ग्राम से, जाति से निकाल दिया कि तुमने एक ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया, जाओ तुम्हें इस जाति में नहीं रखेंगे। इन परिस्थितियों में भी नामदेव जी दुखी नहीं हुए, प्रसन्न रहे, बोले समस्त कार्य मंगलमय है, इनकी आयु पूरी हो गई होगी, ये चल बसे से मेरा क्या दोष। नामदेव जी ने देखा संध्या हो गई थी और सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करना वर्जित है, दाह संस्कार करना नहीं चाहिए, तो इनके शरीर पर बहुत सुंदर चंदन व्रजरज फूल इत्यादि रखकर तुलसी के पौधे को सर के पास रखकर बहुत सुंदर चारों वैष्णव बैठ गए और कीर्तन करने लगे। बहुत सुंदर कीर्तन हुआ और बाहर के लोग बोले देखो कितना पापी आदमी है, ब्राह्मण को मार लिया और उसके आजू बाजू कीर्तन कर रहा है, ढोंग कर रहा है, जैसे आज के बाहर के लोग बोलते हैं ना कुछ आप करने जाओ, कितना ढोंगी आदमी है, देखो माला कर रहा है, दिखा दिखा के माला कर रहा है, देखो देखो कितना ढोंगी है, और उससे तो वो भी नहीं होता है, बाहर छोड़ो वो तो गुस्से घर में भी नहीं होता है। मुझे एक आदमी कुछ दिन पहले यहाँ बोल रहे थे, क्या आप बारी आते हैं मंदिर में, क्या आप हमेशा करते रहते हैं, तो दिखावा है। बोले आप करते हैं क्या, बोल नहीं, तो फिर मतलब घर में करते हैं क्या, बोल नहीं, तो फिर आप कैसे जान गए कि दिखावा है कि नहीं आए, पर दिखावा है तो बड़ा सुंदर उन्होंने फुल पैंट शर्ट पहन के रखा था। बोले तो दिखावा है, फुल पैंट शर्ट क्यों पहने हो आप, फुल पैंट शर्ट खोल दो भाई, धोती पहन लो, धोती में दिखावा नहीं है, इंडियन अपना भारतीय वस्त्र क्या है, धोती कुर्ता है, फुल पैंट और ये कुर्ता, घड़ी पहन रखी थी, मतलब घड़ी क्यों पहन रखे हो, इतने बड़े बड़े समय टावर के पास घड़ी क्यों पहन के रखे हो, सब तो दिखावा है ना, मतलब ये करो तो दिखावा नहीं है, अब माला करो तो दिखावा है भाई, तिलक लगाओ ये पंडित ये दिखावा कर रहा है, थोड़ी पूजा कर रहा है, थोड़ी धर्म कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है, ये बात है। मंदिर के देखो मंदिर में क्या जरूरत है बलून लगाने के लिए है? और बर्थडे पार्टी हो तो उसमें 50 फोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50 पटाखे फोड़ दो, लेकिन भगवान को थोड़ा सजा दिया यार, कितना वेस्ट करता है मनी है? शिव जी के ऊपर आप दूध चढ़ा दो, कितने सारे सवाल उठे थे ना न्यूज में भी, और जो सवाल उठाए थे उन्हें पूछो कि आप 1 जनवरी के दिन जाके बार में क्या करते हो, बियर बार में जाके क्या करते हो, आप क्यों पैसे वेस्ट करते हो, वहां पे चलेगा, लेकिन भगवान के ऊपर 1 लीटर दूध उड़ेल दिया तो पूरी पैसे की बर्बादी हो गई। भगवान को कपड़ा दे दिया, गरीबों को दे दो भाई, तुम इतने महंगे महंगे कपड़े पहन रहे हो, वहां पर बर्बादी नहीं हो रही है, हम भगवान के लिए कुछ करें तो पैसे की बर्बादी, गरीबों में बांट दो, तुम क्यों नहीं बांटते। ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज ढूंढते रहते हैं,
दूसरों को दोषी ठहराने में, और खुद तो ऐसे लोग भक्ति करेंगे नहीं, धर्म करेंगे नहीं, जो चल रहे हैं उस मार्ग पे उसे भी हटका देंगे। मुझे बोला, थोड़ी देर मेरे मन में भी हुआ कि भाई ये क्या बात बोला इसने, क्या मैं सच कर रहा हूँ। फिर एक हमारे आचार्य हैं गौर गोपाल दास, उनका एक लेक्चर याद आया मुझे। उन्होंने बताया था कि किसी और के पास इतनी ताकत है कि वो तुम्हें इमोशनल कर दे, वो तुम्हें रुला दे, किसी और के पास इतनी ताकत है कि वो तुम्हें गलत चीज़ सोचने पे मजबूर कर दे। तो मैं लगा नहीं, ये गलत बात है, और जो हम कर रहे हैं वो सही है। चलो भाई दिखावा ही सही, कम से कम कर तो रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप तो कर रहे हैं। कोई धान का बिया एक एक करके गाड़ता है क्या? नहीं गाड़ता है, धान का बिया छीड़ देता है, कोई धान उल्टा, कोई टेढ़ा, कोई सीधा जाता है, लेकिन फिर भी उससे पौधे निकलते हैं कि नहीं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र आप किसी भी रूप में किसी भी तरह से जप करो, यह हमेशा आपको भगवान के पास भगवान को प्राप्त कराने का कार्य करेगा, किसी भी तरीके से आप जप करो। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हम सबको करना चाहिए, और कोई भी स्थिति में जप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामने वाला क्या बोलता है उसे बोलने दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सब लोग कीर्तन करने लगे उस ब्राह्मण के सामने। सवेरे नामदेव जी वैष्णवों को बुला कर कहा कि देखो भाई, मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका है, अब इस शरीर को रखकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब इस शरीर से ठाकुर जी की सेवा नहीं हो सकती, मोक्ष की प्राप्ति की लालसा तो मुझे है नहीं, बोले कोई दूसरा शरीर लेकर आऊँगा और फिर से भजन भक्ति प्रारंभ करूँगा। देखिए भक्ति में इतना रस है, इतना रस है कि भगवान यदि मोक्ष भी देना चाहे कि जाओ मैं तुम्हें अपने धाम में ले रहा हूँ तुम मोक्ष प्राप्त करोगे, तो भक्त मना कर देते हैं, नहीं मुझे आपके भजन और भक्ति में ही आनंद आ रहा है, मुझे नहीं जाना है। यह भक्ति का प्रभाव। तो अपने आंगन में ही एक चिता त्यौहार कराया, और उस वृद्ध ब्राह्मण को चिता पर रखकर खुद चिता पर बैठ गए नामदेव जी। चिता पर चढ़कर महामंत्र का कीर्तन करने लगे, हजारों लोग आ गए देखने के लिए। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही वह अग्नि उस ब्राह्मण के निकट पहुंचने ही वाली थी कि वह ब्राह्मण उठ करके बैठ गया, और उतने दुबले पतले ब्राह्मण ने नामदेव को गोद में उठा लिया और नामदेव जी को गोद में लेकर उस चितास को फान करके कूद दिया। अग्नि धधक कर उठ गई और वह ब्राह्मण, दुबला पतला ब्राह्मण, जलती हुई चिता से फान करके कूद गया। हजारों लोगों ने देखा कि उस ब्राह्मण ने नामदेव जी को अपने हृदय से लगाया, यहां तक कि लोगों ने देखा कि ब्राह्मण ने नामदेव जी को अपने हृदय से लगाया और उसके बाद ब्राह्मण लुप्त हो गए। अब सब लोग बड़े आश्चर्य करे, आकाश में देवतागण आ गए, पुष्पों की वृष्टि की, लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी भीड़ में वो ब्राह्मण गायब कहाँ हो गया, कोई ना कोई तो जरूर पकड़ सकता था, इतना भीड़ है तो। सब लोगों को वह ब्राह्मण ही दिखाई पड़ा भक्तों, लेकिन श्री नामदेव जी को साक्षात भगवान श्री कृष्ण श्री पंडरीनाथ जी का दर्शन हुआ। साक्षात भगवान ने हृदय से लगाकर कहा, नामदेव धन्य हो, धन्य है तुम्हारी एकादशी की निष्ठा। भगवान चले गए और नामदेव जी भागवत अलिंगन प्राप्त करके आंखों से अश्रु धारा बहने लगे, रोमांचित हो गया, गला गदगद हो गया। सब लोग आकर पूछे, वो ब्राह्मण कहाँ गया, वो ब्राह्मण कहाँ गया? नामदेव जी बोले, बोले अरे वो कोई ब्राह्मण नहीं, वो भक्त वत्सल श्री पंडरीनाथ थे। श्री भक्तवत्सल श्री पंडरीनाथ की एकादशी व्रत की, एकादशी महिमा की। तो गत सत्र में भक्तों हम कृष्ण लीला भी श्रवण कर रहे थे, भगवान के दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। आइए गत सत्र में भगवान के दिव्य नामकरण का लीला हुआ, भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। ऐसा नहीं है भक्तों की कृष्ण नाम गर्गाचार्य के द्वारा रखने के बाद ही है, ये नाम तो नित्य है, अनित्य ही है। जैसे भगवान का प्राकट्य होता है कौशल्या देवकी के माध्यम से, वैसे ही भगवान के नाम का प्राकट्य होता है कभी गर्गाचार्य के द्वारा, कभी वशिष्ठ मुनि के द्वारा, कभी अन्य अन्य संतों के द्वारा। तो कृष्ण नाम रखा गया, नाम रखकर गर्गाचार्य चले गए। कृष्ण और बलराम अब ये दोनों धीरे धीरे बड़े हुए,
और बड़े होकर अब अपने पाँव पर चलना सीख गए। अनेकों लीला भागवत में सूरदास जी ने अनेकों लीला वर्णन किया है। कहते हैं कृष्ण जब ठंड का समय चल रहा होता था, अभी ठंड का समय चल रहा है ना, तो भगवान नहाना नहीं चाहते थे, नहाते नहीं थे भगवान, तो मैया इसको जबरदस्ती नहलाती थी। जब इसे पकड़ने के लिए जाते थे नहलाने के लिए तो भाग जाते थे। कृष्ण को जब दूध पिलाना होता था, भगवान को जब मैया को दूध पिलाना होता था, तब वो दूध नहीं पीना चाहते थे। पता नहीं बच्चे को क्या एलर्जी होता है दूध से, पीना ही नहीं चाहता। भगवान माखन खाते थे, दही खाते थे, लेकिन उनको दूध पसंद ही नहीं आता था, वो दूध पीते ही नहीं थे। जबरदस्ती कृष्ण को पकड़ कर पिलाती थी, पिलाते पिलाते थे, कहती थी कि कृष्ण कान्हा तू यदि देख यदि दूध पिएगा ना, तेरी चोटी बलराम जैसी लंबी हो जाएगी। तो चोटी के लोभ में भगवान गट 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 करके दूध पी जाते थे। लेकिन 3 दिन दूध पीने के बाद कांच मिरर के सामने खड़े होते थे, चोटी नहीं बढ़ी। दौड़ते हुए रोते हुए मैया के पास जाते थे, कहते थे ओ मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, हो मैया कब ही बढ़ेगी चोटी। अभी गाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। एक प्रत्येक लीला भक्तों सूरदास जी ने अपने भजनों में वर्णन किया है, हमारे पास बहुत समय नहीं है, फिर भी कभी मौका मिला समय मिला तो हम सुनेंगे। संक्षिप्त में कह रहा हूँ, कृष्ण कहते थे मैया ये चोटी कब बढ़ेगी, तू तो कहती थी ना कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, लगता है तू झूठ बोलती थी। चोटी को जब छोटी देखते थे तो भगवान रुक जाते थे, बोलते थे अब मैं जब बड़ा होऊंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो पिताजी के लिए धोती लेकर आऊंगा, तुम्हारे लिए साड़ी नहीं लेकर आऊंगा। कई बार मैया यशोदा कृष्ण को छत पर लेकर जाती सुलाने के लिए, तो भगवान सोते सोते चंद्रमा को देखते और जिद कर बैठते थे कि मुझे चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। तो भगवान जिद कर बैठते, यशोदा मैया समझाते कि वो खिलौना नहीं है, वो चंद्र मैं भगवान के लिए तो खिलौना ही है ना, हमने ये मोबाइल बनाया हमारे लिए तो ये खिलौना ही है ना, तो भगवान के लिए चंद्रमा तो खिलौना ही है ना। भगवान बुलाते, मैया बुलाती, बोलती कि चंद्रमा नहीं वो खिलौना है, बोले नहीं मुझे ये चंद्र खिलौना चाहिए चाहिए चाहिए, जबरदस्ती दीदी पकड़ लेते थे। अब मैया सोचती थी अब ये चंद्रमा कहाँ को कैसे लेकर आऊँ, मैया कहती थी तू रुक यहाँ पर, मैया नीचे जाती थी, नीचे से थाली में पानी भरकर लाती थी, उसको छत पर रखती थी, चंद्रमा का प्रकाश आता था, प्रतिबिंब बनता था, देखो ये चंद्रमा आ गया। कृष्ण उस थाली में चंद्रमा को देखकर प्रसन्न हो जाते थे। मैया कहती थी देखो हाथ मत लगाना, हाथ लगाओ तो चंद्रमा चला जाएगा, बच्चे का स्वभाव है जो चीज़ ना को वही करेगा। कृष्ण चंद्र के साथ खेलने लगे, मैया चली गई, कृष्ण ने देखा मैया चली गई है, चंद्र को हाथ से लेने के लिए पानी में हाथ डाला, पानी हिल गया, चंद्रमा चला गया, भगवान जोर जोर से रोने लगे। हिरण्यकश्यपु को फाड़ने वाला, एक ईश बार पृथ्वी को नक्षत्रीय करने वाला, 2 पग में पूरे ब्रह्मांड को नापने वाला, आज बिल्ली की आवाज को सुनते ही मैया की गोद में दुबक के जाके बैठ जाता था। अद्भुत लीला भक्त, तो देवी कुंती ने अपनी स्तुति में कहा है कृष्ण लाप की लीला अद्भुत है, दुनिया की लोग समझे तो क्या समझे, कैसे समझे। सतयुग में नरसिंह अवतार लिया, हिरण्यकश्यपु को फाड़ा, परशुराम अवतार धारण किया, 21 बार संसार को नक्षत्रीय किए, वामन अवतार धारण किए, 2 पग में पूरी ब्रह्मांड को नाप लिया, तब जाकर जगत के लोगों को विश्वास हुआ कि भाई यही भगवान है। तब तक तो कृष्ण के रूप में आए और बिल्ली की आवाज सुन करके मैया के गोद में जाके छिपके बैठ गए। अब बताओ लोग आपको कैसे माने कि अब भगवान है, कैसे माने बताओ, विडंबना आपकी ये लीला विडंबना है। तो कृष्ण की अद्भुत लीलाएं भक्तों, इन लीलाओं में शाक्य लीला बताते हुए सुखदेव जी कहते हैं एकदा कृणमान थे रामाद्य गोपदारक कृष्णामृद भक्षित्वां इति मात्रे निवेद्यं। एकदा कृणमाना थे, अब कृष्ण चलने लगे और चलते हुए बहुत सारी लीला होती थी। एक बार कृष्ण और बलराम घर पर ही थे,
और घर के अंदर कुछ बछड़े बांधे हुए होते थे, घर के प्रांगण में कुछ बछड़े होते थे, भगवान और बलराम क्या करते थे, इसे खोलकर उनकी पूंछ पकड़ लेते। जैसे ही कि बछड़े की पूंछ पकड़ते, बछड़ा दौड़ने लगता। अब ये दोनों घिसीटते हुए जा रहे हैं बछड़े के पीछे और चिल्लाते, बचाओ बचाओ बचाओ, अरे पूंछ छोड़ दोगे तो खुद ही बच जाओगे। लेकिन बाल लीला करने भगवान, और इतनी भी बुद्धि नहीं कि हाथ को छोड़ दें। थोड़े से बड़े हुए, खेलने लगे, और एक दिन कृष्ण, बलराम और अन्य सखा यमुना के तट पर ब्रह्मांड घाट पर खेल रहे थे। ब्रह्मांड घाट गोकुल महावन में, और खेल होता था, टीम होती थी, दो पक्ष होते थे, और जो पक्ष हार जाती थी उसे घोड़ा बनना पड़ता था, और जीतने वाला पक्ष को उस पर बिठाकर कुछ दूरी तय होती थी, उसे तय करना पड़ता था। तो कृष्ण दोनों, बलराम दोनों की टीम होती थी, दोनों कैप्टन होते थे टीम के। तो एक दिन कृष्ण का पक्ष हार गया। जब कृष्ण का पक्ष हार गया तो कृष्ण के पक्ष के सब लोग घोड़ा बन गए, और अन्य बालक जो जीते हुए थे वो उन पर बैठ गए, लेकिन कृष्ण घोड़ा नहीं बने। तो बालकों ने कहा, कृष्ण चलो घोड़ा बनो। कृष्ण का, मैं नहीं बनूंगा घोड़ा। अरे तुम हार गए हो, घोड़ा बनो। कृष्ण का, मैं राजा का बेटा हूँ, राजा का बेटा घोड़ा बनता नहीं, वो घोड़े पे चढ़ता है, नहीं बनूंगा। तो सखा कृष्ण को धमका कर मार कर कहते थे, सारे तू राजा का बेटा होगा अपने घर पर, यहाँ पर तो तू हमारा सखा है, हमारा मित्र है, और तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा, तुम्हें घोड़ा बनना है। बोल नहीं बनूंगा, बोल पलना पड़ेगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। तो सखाओं ने कह दिया, आदि घोड़ा नहीं बनेगा तो आज के बाद हमारे साथ खेलना मत। सब लोग कृष्ण को छोड़कर कहीं दूर जाकर खेलने लगे। कृष्ण ने कोई बात कहा, कोई बात नहीं, मैं अकेला खेलूंगा। अब नदी के तट पर कोई बालक अकेला क्या खेलेगा, वही कंकड़ पत्थर मट्टी से। तो उस समय कृष्ण मट्टी से पर्वत बनाने लगे, अनेक अनेक चीज बनाने लगे, ना जाने क्या क्या बनाने लगे, क्या क्या करने लगे, और इनका मूड हुआ तो मट्टी मुख में भी डाल दी, मट्टी खाने लगे। बलराम आदि सखाओं ने देखा कृष्ण को मट्टी खाते हुए, दौड़ कर आए, कृष्ण मट्टी मत खाओ। कृष्ण ने कहा, तुम तुम्हारा खेल खेलो, मैं मेरा खेल खेलता हूँ। मैंने तुमको रोका है ना, तो तुम भी मुझको मत रोको। बलराम ने कहा, देखो कृष्ण, मट्टी खाओगे तो बीमार हो जाओगे, जो भी हो तुम्हें मतलब, मैं कुछ भी हो जाऊँ तुम्हें क्या करना है, तुम अपना खेलो, मैं अपना खेलता हूँ। बोले, देखो मट्टी खाओगे तो मैया से शिकायत कर दूंगा, कर दो, मैं कोई मैया वैया से नहीं डरता। बलराम जी तोड़कर घर पर गए और कहा, मैया मैया, कृष्ण मट्टी खा रहा है, तुम उसे रोको, नहीं तो उसके पेट में रोग हो जाएगा, वह बीमार हो जाएगा। बलराम जी की शिकायत भी अद्भुत है, भक्तों ब्रज भाषा में कहते हैं, तेरे लाला ने मट्टी खाई, यशोदा सुन माही, अद्भुत खेल सकन संग खेलो, छोट सो माटी के ढेलो, श्याम ने मुख में ले लो, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। यशोदा, तेरे लाला ने माटी खाई। अच्छा, लाला ने माटी खाई? हाथ में छड़ी लेकर दौड़ते हुए यशोदा आई। आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि प्रभु अब थोड़े नटखट हो गए थे, थोड़ी बदमाशी करने लगे थे, पहले से चिल्लाई हुई थी। बोले, आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, मैं जाके उसे देखती हूँ। कृष्ण ने देखा कि मैया आ रही है, मैया को देखकर अपने मुख में लार बनाकर जल्दी जल्दी माटी कृष्ण खाने लगे। लेकिन छोटा सा मुख, सारी मिट्टी कृष्ण एक साथ कैसे खा लेते। तब तक मैया पहुंच गई और कहा, कृष्ण तूने माटी खाई है? आहा, अब थी माटी तो थी मुंह में, बोले कैसे? तो बोलते हैं, आहा, इशारा कर दिए, धीरे धीरे करके मिट्टी को खा गए। कहने लगे, सच बोल कृष्ण, माटी खाई तूने? सुखदेव जी कहते हैं, नाहम भक्षितवान अम्बा, हे अम्ब, हे माँ, यहम ना भक्षितवान, मैंने माटी नहीं खाई। यशोदा ने कहा, क्या तेरे सखा सब झूठ बोल रहे हैं? कृष्ण ने कहा, सर्वे मिथ्या भिषण, सब लोग मिथ्या, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। यशोदा कहते हैं, अच्छा, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं और अकेला तू ही हरिश्चंद्र है, सत्यवादी हरिश्चंद्र। बोले, ये तेरे सखा झूठ बोल रहे हैं?
अच्छा चलो मान लिया ये तेरे सखा झूठ बोल रहे हैं, लेकिन बलराम दाऊ जी वो क्यों झूठ बोलेंगे, वो तो झूठ नहीं बोल सकता है। कृष्ण ने कहा मैया ये नाम का बड़ा है, ये मंत्र दाऊ नाम का बड़ा है, मुझे यदि सबसे ज्यादा कोई दुख देता है तो ये बलराम। कृष्ण अपनी मैया को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगे, माटी की बात भुलाकर अपने अलग ट्रैक पर चढ़ा रहे। बोले तू कहती है ना ये बड़ा है, ये बड़ा नहीं, ये सबसे बड़ा सिरदर्द है मेरा मैया, ये दाऊ मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे कहता है नंद गोरे यशोदा गोरी तू काला कलूटा कहाँ से आ गया, तेरे बाप गोरे तेरी माँ गोरी, तू काला, तू नंद का और यशोदा का बेटा है ही नहीं, तुझे नंद और यशोदा कहीं से खरीद कर लाए। मैया सच बता, क्या मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, क्या तुम लोग मुझे खरीद कर लाई हो। इतना सुनकर तो मैया कृष्ण को अपने बाहों में भर लेती, अपने आंचल में अखबार में भर लेती थी भक्तों। और बात भी सत्य है, बार बार कृष्ण को सब लोग चिढ़ाते थे और गोपियां तो जब भी मिलती तब भी कृष्ण को कहती थी तू इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्या, तू इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। ये सभी गोपियां कृष्ण को कहती हैं, कृष्ण तू इतना काला क्यों है। तो कृष्ण अनेकों बहाने बनाते थे भक्त, आइए सुनते हैं भगवान क्या कहते थे। देखिए जो कृष्ण के पक्ष में है वो कृष्ण की बात को दोहराइए, और जो गोपियों के पक्ष में है वो गोपियों की बात को दोहराइए, लेकिन बोलिए सब ठीक है। तू इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू काला हो कर भी जग से निराला क्यों, काला हो तू इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों, तू ये सभी गोपियां कृष्ण को पूछती है कि कृष्ण तू इतना काला क्यों है। तो भगवान अनेकों बहाने बनाते हैं भक्तों, आइए हम सुनते हैं कि भगवान क्या बनाते हैं। मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने काली या मैंने काली रात को जन्म लिया, मैंने और काली गाय का दूध पिया। और कृष्ण कहते हैं मैंने काली रात को जन्म लिया, अंधेरे रात में अंधेरे रात को 12 बजे मेरा जन्म हुआ इसलिए थोड़ा सा काला हूँ। कृष्ण कहते हैं काली रात को जन्म लिया और क्या करूँ, मेरी माँ मुझे काली गाय का दूध पिलाती है इसलिए मैं थोड़ा सा काला हूँ। गोपियाँ ने कहा झूठा है, काली गाय का दूध पीने से कोई थोड़ी काला बन जाता है। तब कृष्ण कहते हैं देख मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं काला नहीं हूँ लेकिन मेरे कंधे पर जो एक कमरी है ना इसका रंग काला है, इसका रिफ्लेक्शन आ रहा है मेरे ऊपर इसीलिए मेरा रंग काला हो गया है, मेरा काला शेड हो गया है, बाकी मैं काला नहीं। मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया, और मेरी कमली का रंग काला इसलिए काला हूँ, मेरी कमली का रंग काला इसलिए काला।
तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू इतना गोपियां कहती है तू झूठ बोल रहा है, ये कंधे का ये कंधे के ऊपर दुपट्टे का रंग काला होने से थोड़ी ना कोई काला लगता है, है? तब कृष्ण एक और बहाना बताते हैं, मैं काली दाह पर कूद लिया, मैं काली दाह पे कूद लिया मैं, और काले नाग को नाथ लिया। तब कृष्ण एक और बहाना बताते हुए कहते हैं, देखो मैं काला नहीं हूँ, देखो ये कालिया नाग बहुत परेशान कर रहा था तुम लोग, और वो कालिया नाग परेशान करने के कारण मैं कालिया नाग का दमन कर लिया और बस थोड़ा सा काला हो गया। और मैं क्या बताऊँ, मेरे घर पे नल कनेक्शन तो है नहीं, रोज रोज यमुना में स्नान करता हूँ और यमुना का रंग थोड़ा सा काला है, इसीलिए मेरा रंग थोड़ा काला हो गया, बाकी मैं काला नहीं। मैं काले दाह पे कूद लियो, मैं काली दाह पे कूद लियो, मैं और काले नाग को नाथ लियो, और काले नाग को नाथ लियो, मैंने फण फण पे नृत्य कियो इसलिए काला हूँ, मैंने फण फण पे नृत्य मैंने फण फण पे नृत्य कियो इसलिए काला हूँ, मैंने तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू इतना जब भगवान कृष्ण इतने तर्क देने लगे, इतने बहाने देने लगे कि काली रात में जन्म हुई, काली गाय का दूध पिया, यमुना में कूद पड़े इसलिए काला हूँ, तो ये गोपियाँ मानने को तैयार ही नहीं, बोले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब कृष्ण को क्रोध आ गया, बोले सारी मैं काला नहीं हूँ, तेरी मटकी काली है, तू घूंघट टांगती, तेरी चुंदरी काली है, तेरी साड़ी काली है, काले कपड़े से तू देखती है इसलिए मैं काला दिखाई देता हूँ। तब भी कहती है नहीं झूठ बोल रहा है, तब कृष्ण कहते हैं तेरा मन काला है, तेरी आंख काली है इसलिए मैं काला लग रहा हूँ, तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी और तू यति मन की काली है, और तू यति मन की काली है, और तेरी चुंदरी का रंग काला इसलिए काला हूँ, तेरी चुंदरी का रंग काला, तेरी चुंदरी का रंग काला इसलिए काला हूँ, तेरी चुंदरी तू इतना बता दे काना, तेरा रंग काला क्यों, तू इतना कृष्ण ने अनेकों बहाने बताए लेकिन गोपियां नहीं मानी, भगवान बताते गए गोपियां मानी नहीं। अब कृष्ण अंत में वास्तविक कारण बता रहे हैं जो हृदय को छू गया। कृष्ण कहते हैं देखो सत्य कहूं, मेरे काले होने का कारण क्या है, तुम लोग अपने घर से अपने आंखों पे काजल लगा के चलती हो और जब मेरे सामने आती हो तो निरंतर लगातार मुझे देखते रहती हो और मुझे अपनी आंखों में बिठा लेती हो और घंटों बाद अपनी आंखों से मुझे निकालती हो, तुम्हारे काजल का रंग लग गया है इसीलिए मैं काला हो गया हूँ।
सखी नैनों में काजर लगाती है, सखी नैनों में कजरा लगाती है, सखी नैनों में और नैनों में मुझको बसाती है, और नैनों में मुझको बसाती है, और तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ, तेरे कजरे का तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ, तेरे कजरे तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला हो कर भी जग से निराला क्यों, काला तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों, तू इतना राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधा कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम तो यशोदा आई थी कृष्ण को डांटने के लिए, लेकिन कृष्ण ने यशोदा को दाऊ में उलझा दिया। यशोदा ने कहा दाऊ को, बलराम को तो मैं बाद में देख लूंगी, तो पहले ये बता माटी खाई है कि नहीं। यशोदा भूलने वालों में से नहीं थी भक्त। कृष्ण ने कहा मैया मैंने माटी नहीं खाई है, और मैया आदि मुझ पर विश्वास नहीं, अदि सत्य ग्री तरही समक्षम पश्यम मे मुखम, अदि मेरी बात पर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है, अदि मेरी बात तुम्हें असत्य लग रहा है, तो पश्चमे मुखम आप देख लो मेरे मुख में। होता ना कोई चोर चोरी करके भाग रहा है उसे पकड़ लो, अरे मैंने चोरी नहीं किया। चोर को लगता है मैं बोल दूंगा कि देख लो मुझे चेक कर लो, तो शायद चेक नहीं करेगा। तो कृष्ण बोल दिए चेक कर लो मेरा मुंह, मैं खाया हूं क्या माटी। उन्हें लगा कि थोड़ी चेक करेगी मैया। अब मैया बोलती है कृष्ण जैसे ही कहा कि तुम्हें यदि विश्वास नहीं तो मुंह खोल के देख लो मेरा, तो मैया ने कहा खोल तेरा मुंह आज मैं देखना चाहती हूँ, खोल तेरा मुंह खोल। कृष्ण ने भक्तों जैसे ही अपना मुंह खोला, कहते हैं कृष्ण ने यशोदा मैया को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड का दर्शन कराया। उस करोड़ों ब्रह्मांड में एक ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में एक एशिया खंड, उस एशिया खंड में भारतवर्ष, उस भारतवर्ष में ब्रज वृंदावन गोकुल, और उस गोकुल में कृष्ण और यशोदा का दर्शन। श्री ब्रह्मांड दर्शन की, ब्रह्मांड लीला की। तो इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन यशोदा मैया को कराया। देवी देवतागण आए, भगवान का स्तुति किया। आइए हम सब भी कुछ देर भगवान का स्तुति भगवान के दिव्य नाम के द्वारा करें। ओ हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हर
हरे कृष्णा ओ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा झूमते हुए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण